तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा लड्डू जो है वो पूजा स्पेशल बनकर तैयार हो गया है और इसे मैंने किस तरह से बनाया है आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक कटोरी के आसपास हमने चना डाल लिया था जिसको हमने अच्छे से भिंगो दिया है। मतलब इसको भिंगो कर, मतलब मैंने 4-5 घंटे पहले ही इसको भिंगो दिया था, भिंगोने के लिए रख दिया था। और अभी मेरा ये अच्छे से मतलब फूल गया है, तो अभी इसको अच्छे से धोकर मैं क्या करूँगी, इसका पानी जो है निकाल दूँगी और इसके जो है मिक्सर जार में इसको अच्छे से हम लोगों को पीस लेना है, दरदरा पीसना है और बिना पानी का हम लोग पीसेंगे। पानी को डालकर हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पीसना है। देखिए मैं सारा पानी निकाल रही हूँ और इसको बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, दानेदार हम लोगों को इसको पीस लेना है। तो अभी हम लोग इसको झटपट से पीस लेते हैं और पीसने के बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा जो है हम लोगों को पीसना है। तो पीसने के बाद देखिए कुछ ये इस तरह से बनकर जो है मेरा तैयार हो गया है। तो अभी इसको देखिए, बिल्कुल फाइन हमने नहीं बनाया है, बिल्कुल पतला नहीं है, बिल्कुल गीला है। देखिए इस तरह से, तो इसको हमने पीस लिया है और इसको एक मतलब कटोरे में हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद इस तरह से, जिस तरह से हम लोग पकौड़ा बनाते हैं ना, उस तरह से हम लोग इसको चपटा चपटा करके क्या करेंगे, छान लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और यहाँ पे तेल लिया है, पतला वाला तेल हमने लिया है, मतलब नारियल का तेल ये है, वर्जन कोकोनट ऑयल। आप चाहे तो कोई भी तेल ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में जो है ना उसका गंध जो है बिल्कुल अलग होता है। तो जब आप छानते हैं तो आप कोई पतला तेल होता है उसे यूज कीजिए, या फिर घी यूज कीजिए, या फिर वनस्पति घी जो आता है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नारियल का तेल लिया है और इसमें इस तरह से हम लोग डाल देंगे और इसको हम लोग दोनों तरफ से पकाएंगे। पहले एक तरफ पक जाता है तो फिर देखिए इस तरह से हम लोगों को पलट देना है, बिल्कुल जिस तरह से पकौड़ा बनता है उसी तरह से हम लोगों को इसको पका लेना है, दोनों तरफ से पलट पलट कर अच्छे से। जब दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन हो जाता है तो हम लोगों को क्या करना है, इसको निकाल लेना है। अभी देखिए मेरा गोल्डन ब्राउन हो गया है 5 से 7 मिनट में। और इसको जब पकाते हैं तो हम लोगों को मीडियम फ्लेम पर आराम से इसको पकाना है और तेल जो है जो बिल्कुल गर्म होना चाहिए, जब डालते हैं तो फ्लेम जो है बिल्कुल हाई रखिए। तो अभी मेरा हो चुका है पहला बैच, तो अभी हम लोग इसको निकाल लेते हैं और दूसरा बैच जो है उसको भी हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो देखिए अभी मेरा सारा तैयार हो गया है और इसे हम लोग एक थाली में निकाल लेकर फैला देते हैं और ठंडा होने देते हैं। देखिए सारा मेरा, देखिए बिल्कुल अच्छे से पक गया है, एक भी टूटा नहीं है। तो अभी इसको थोड़ी देर ठंडा कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। तो अभी मेरा बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो इस तरह से हम लोगों को इसको टुकड़े टुकड़े में कर लेते हैं ताकि जो है इसका नेक्स्ट प्रोसेस बिल्कुल आसान हो। इसलिए हम लोगों को फिर से इसको पीसना है मिक्सर जार में, दरदरा ही पीसना है। तो देखिए इस तरह से टुकड़ा टुकड़ा कर लिया है और हमने ग्राइंडर ले लिया है और इसमें डाल देते हैं सारा और एक ही बार में सारा पीस लेते हैं। अगर आप ज़्यादा बनाते हैं तो दो बैच जो है वो ले सकते हैं। तो अभी इसमें डाल दिया है हमने और इसको झट से दरदरा जो है पीस लेते हैं। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना, दानेदार। तो बिल्कुल फाइन नहीं बनाना है, फाइन बनाएंगे तो बेसन जैसा बन जाएगा, क्योंकि हम लोगों को मोतीचूर का लड्डू बनाना है, दानेदार लड्डू बनाना है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे और पीसने के बाद इसको देखिए एक प्लेट में हमने निकाल लिया है और इसकी खुशबू जो है इतनी सुंदर, मतलब बनाते बनाते ही लग रहा था कि इसको को ही खा जाए, इतनी अच्छी खुशबू जो है इसकी आ रही थी पीसने के बाद। तो देखिए पीसकर हमने इसको फैला लिया है, अब लोग नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। जितना हमने मतलब चना भिगोया था उसी के आसपास हम लोग चीनी लेंगे और जितना चीनी लिए हैं उसका जो है 1/4 पानी यूज करेंगे, हम लोग चाशनी इसका तैयार करेंगे। तो अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम मीठा पसंद है तो थोड़ा कम भी ले सकते हैं। अगर लड्डू जो थोड़ा मीठा ही रहता है तो ही अच्छा लगता है। तो अभी थोड़ा चाशनी को इस तरह से हम लोगों को तैयार कर लेना है। अगर आपके पास कलर यूज करना चाहते हैं है तो यूज कर सकते हैं, वैसे कलर जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर चुटकी भर हल्दी डाल देती हूँ, क्योंकि हल्दी जो है हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आप चाहे तो बिना हल्दी का भी बना सकते हैं या सिंपल, ऐसे भी जो है काफ़ी टेस्टी बनता है। तो ये जो है हल्दी डालने के बाद हमने इसको पूरा अच्छे से तैयार कर लिया, देखिए। और इसको चाशनी को ज़्यादा तैयार करना नहीं है, बस जब एक ताड़ आता है बनता है उसी टाइम पे हम लोगों को इसको बंद कर देना है। तो अभी देखिए मेरा हो चुका है, तो अभी इसमें देखिए मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, बिल्कुल तार बन रहा है। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, गैस को ऑफ़ कर देना है। गैस को ऑफ़ करने के बाद हमने थोड़ा सा इलायची का पाउडर इसमें डाला था और उसके बाद जो हमने चना का जो मिक्सर तैयार किया था उसको हम लोग यहाँ पे जो है डाल देंगे और अच्छे से हम लोगों को क्या करना है, मिक्स कर लेना है। देखिए
बिल्कुल अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेते हैं और ये बिल्कुल जो है लड्डू जो है आराम से बनेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि ये लड्डू नहीं बन पाएगा, लेकिन आराम से ये लड्डू जो है वो बन जाता है और काफ़ी टेस्टी लगता है। तो आप भी अपने घर पर इस तरह से किसी भी फेस्टिवल में ट्राई कर सकते हैं। और आज तो बसंत पंचमी है, तो बसंत पंचमी स्पेशल जो है ये लड्डू जो है हम लोगों के यहाँ बनाया जाता है, मतलब पूजा के लिए यह स्पेशल लड्डू जो है मोतीचूर लड्डू बनाया जाता है। तो अभी जो है मेरा हो गया है और इसको ढककर हमने साइड में रख दिया है। और अभी दूसरा कढ़ाई को चढ़ा देते हैं और थोड़ा सा घी डालकर ड्राई फ्रूट्स को पहले जो है हम लोग भून लेते हैं। तो सारा ड्राई फ्रूट्स जो हमने इस तरह से भून लिया है, काजू और हमने बादाम लिया है, आप चाहे तो किशमिश और भी कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं। तो अभी हमने घी जो भूना था ड्राई फ्रूट्स उसमें ही जो मिक्सर तैयार करके रखे थे उसको डाल देते हैं लड्डू वाला, या फिर उसमें ही ड्राई फ्रूट्स को डाल दीजिए। दोनों ऑप्शन है आपके पास, जो आपको अच्छा लगता है। तो अभी हमने डालकर एक बार अच्छे से इसको चला लेना है, मिक्स कर लेना है। और अभी ये थोड़ा सा गर्म है तो हम लोगों को थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेना है। अभी देखिए थोड़ा सा गर्म है तो मैं अभी बांध नहीं पा रही थी, तो अभी थोड़ा सा हम लोग इसको ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद इसको बांधना शुरू करते हैं। तो बांधने से पहले थोड़ा सा आप हाथ में पानी लगा लीजिए, तो हल्का सुसुम भी रहेगा तो आपका हाथ जलेगा नहीं। तो इस तरह से दबाते हुए हम लोगों को लड्डू जो है बांध लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग बांध सकते हैं, बड़ा छोटा जिस साइज़ का लड्डू आपको बनाना है उस साइज़ का आप जो है वो बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है और बिल्कुल आसानी से बंध भी जा रहा है। अगर आपका लड्डू नहीं बनता है तो थोड़ा सा ऊपर से आप घी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे लड्डू को बना लिए, देख सकते हैं आप कितना परफेक्ट और कितना गोल बना है और कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं सारे लड्डू को बांध कर आपको दिखाती हूँ। और इसी तरह से हमने सारे लड्डू को जो है वो गरम गरम ही बना लिया है। और आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो है मेरा पक्कर जो है वो तैयार हो गया है। तो देखिए अभी सारा लड्डू जो है इस तरह से हमने बांध लिया है और बिल्कुल जो है बड़ा छोटा जिस साइज़ का आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मेरा सारा लड्डू जो है वो बनकर तैयार हो गया है। कुछ बड़ा बनाया है मैंने, कुछ छोटा बनाया है। ड्राई फ्रूट्स अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। तो कोई भी छोटा मोटा पूजा आपके घर पर होता है तो आप इस तरह से लड्डू जो है वो बना सकते हैं। और बसंत पंचमी स्पेशल ये लड्डू मैंने बनाया है, और मतलब सरस्वती पूजा के लिए तो ये स्पेशल लड्डू है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी अपने घर पर लड्डू जो है वो ज़रूर बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।